गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया, सब मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता और साथ में लंच की तैयारी साथ में चल रही है। और बस अभी बेटे को थोड़ी थोड़ी दवाई दी है पापा ने, क्योंकि काफ़ी हद तक सुधार है। हमने डॉक्टर को दिखाया है इसको, काफ़ी हद तक इसकी तबीयत में सुधार आ गया है। और एक हफ्ता और थोड़ा सा अच्छे से रेस्ट करेगा बढ़िया से, तो ऑलमोस्ट ठीक। इधर भरते की तैयारी हो रही है, बैंगन का भरता बनने वाला। अभी आलू भी डालूंगी इसको, आलू भी को भी रोस्ट करना है मुझे। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट ली हैं। तो गाजर है, शिमला मिर्च है, नॉर्मल हरी मिर्च ले ली है और प्याज ले ली है। और यहाँ मूँगफली के दाने को सेक करके इसका छिलका निकाल लिया है। और यहाँ पर ब्राउन और प्लस सफ़ेद वाला जो पोहा होता है वो धो लिया था, क्योंकि मेरे पास ब्राउन वाला कम था तो उसे भी ख़त्म करना था। तो ये दोनों धो लिया है बढ़िया से, इसे रेस्ट भी दे दिया है। तो बढ़िया से एकदम अच्छे से ये फूल गया है, तो इससे बढ़िया से मुलायम मुलायम से पोहे बनते हैं, टाइट नहीं लगते हैं। तो आज बनाऊंगी ये वेजिटेबल वाला पोहा। डाल देंगे, अच्छे से पक गया है ये बढ़िया से। और इसे मैंने पहले ही छीरा लगा लिया था इस तरह से अंदर से, कि कहीं खराब ना निकले। टमाटर को भी बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। उससे पहले फिलहाल पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया पोहा बना, आप लोग ट्राई करना, अच्छा लगता है। कभी कभी सब्जियां भी डाल के खानी चाहिए, अच्छा रहता है। इधर मैंने आलू को उबाल लिया था, उसी आलू को इधर मैं इसमें डाल करके हल्का सा सेक रही हूँ जाली में डाल करके। ये देखिए, इससे ना बिल्कुल एकदम बढ़िया सा ऐसा लगा आग में सिका हुआ है। ऑलरेडी ये पका हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ से फट गया आलू, तो ये कुकर में पक चुका था। पर इस तरह से रोस्ट करने के बाद ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा सा बस ऐसे हल्का हल्का सा काला हो जाएगा, इसके बाद छील करके इन सब की भी सफाई करेंगे और फिर भरता बनाएंगे। तो इधर मैंने कुछ लहसुन की कलियों को भी भून लिया है, रोस्ट करने के बाद बड़ी अच्छी लगती हैं। साथ में दो हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको भी रोस्ट कर लिया है, इनको अलग रख देती हूँ मैं। ये भी ऑलमोस्ट मुझे यहाँ लिट्टी का मसाला तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ दो छोटी प्याज ले ली है मैंने और साथ में ले लिया धनिया पत्ता, तो आधा तो जाएगा चोखे में।
यानी भरते में, और आधा जाएगा मसाले में। तो यहाँ मिर्ची ले ली है, अदरक और लहसुन ले लिया, साथ में यहाँ रोस्टेड चना ले लिया है। तो इसे डालूँगी मिक्सर जार में। कई लोग छिलका निकाल के लेते हैं, मैं बिना छिलका के साथ लूँगी, मुझे छिलके के साथ भी अच्छा लगता है। बस इसका एक पाउडर सा बना लेंगे। तो जो ये रोस्टेड चने थे ना, इसका बढ़िया से इसका मैंने आटा तैयार कर लिया है। तो इधर मैंने प्याज और अदरक को ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है, और इसे इस तरह से ब्लेंडर में डाल दूंगी। इससे बारीक बारीक सा हो जाएगा, हाथ से काटने में टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट आजकल तो ये सबके घर में अवेलेबल होता है। साथ ही इधर चढ़ा दी है दाल, तो दाल हो गई है। और देखो इधर बारीक बारीक कट कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था अच्छे से, इसे डाल देंगे सारा का सारा इसमें। तो यहाँ मैंने ले लिया लाल मिर्च का अचार, ये ना हो तो आम का अचार भी डाल सकते हैं। साथ में छोटी सी प्लेट में लिया काला नमक, काला जीरा, और साथ में लिया है अजवाइन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चना गैस बनाता है तो ये ज़रूर डाला जाता है, इसी से असली टेस्ट आता है। तो ये सारा अजवाइन, नमक तो ऐसे ही डाल दूंगी, अजवाइन, और इसको हमारे यहाँ मगरेल भी बोलते हैं, लोग काला जीरा भी बोलते हैं, इसको हाथ से मसल के डालूंगी। और इसमें जाएगा सरसों का तेल, सरसों के तेल के बिना ना लिट्टी चोखा तो अधूरा है। काला नमक और इन सबको मसल के डालेंगे, और साथ में जाएगा नींबू। नींबू तो आप बीच में टेस्ट कर लेना, जब भी मसाला बन जाए कितना खट्टा करना है, वैसे हल्का खट्टा ही अच्छा लगता है ये। तो इसमें आराम से, इसमें काफ़ी रस है इस वाले नींबू में, तो मुझे लगता है कि एक नींबू में काम हो जाएगा। और नींबू ना हो तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, कोशिश करें नींबू ही डालें, या ना हो तो नींबू का अचार भी चलेगा। अमचूर में वो टेस्ट नहीं आता है जो नींबू में आता है। और साथ में जाएगा धनिया का पत्ता, कुछ नींबू के बीज भी चलेगा, इनको हटा देते हैं नहीं तो ये कड़वा कर देगा। इसको मसल लेंगे बढ़िया से, और सफ़र में ले जाना हो तो उसमें प्याज ना डालें, बाकी सारी चीज़ें डाल लें, क्योंकि प्याज से ना ख़राब हो जाता है। सफ़र में आराम से इसे आप हफ्ते तक इस तरह से मसाला बना करके, प्याज छोड़ करके अदरक लहसुन डाल लें आप, आराम से हफ्ते भर चलता है। और हम लोग कई बार ट्रेन से जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बना के लेके जाते हैं, चाय के साथ खा लिया हमने, अचार के साथ खा लिया, अच्छा लगता है ये। ये देखिए बहुत ही बढ़िया महक आ रही है इसमें से, गजब की महक आ रही है इसमें से। अगर नमक थोड़ा मोड़ा कम लगे तो आप प्लेन नमक भी डाल लेना, क्योंकि अचार में भी नमक था और साथ में हमने काला नमक डाला है। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं प्लेन नमक भी डालूंगी। ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है, साथ में यहाँ आटा लगा लूंगी। तो आज मैं ना लिट्टी का पराठा, मतलब ये लिट्टी नहीं बना रही हूँ, पराठा बनाऊंगी। तो हल्का सा ही नमक डाल करके इसका आटा लगा लूंगी बस, और बस इसके पराठे बनाऊंगी। लिट्टी बनाना हो तो यही आटा लगता है, और इसे गोल शेप दे दो। इसमें इसकी पुरानी, पहले की भी मैंने काफ़ी टाइम इसकी रेसिपी शेयर करी है, फ्राई करके भी बनाया है पानी में उबाल करके, और साथ में ही पराठा भी शेयर किया है। तो आज मैं पराठा ही बना रही हूँ, और लिट्टी भी बनाया है मैंने कई बार, रेसिपी शेयर करी है जब मैं घर में गई थी, अंगीठी में बनती है तो बनाया था। फिलहाल तो आज मैं पराठा बनाऊंगी, और साथ में ये जितना भी इसे छील लेंगे, साफ कर लेंगे और भरता बनाएंगे। तो भरता बनाने का काम हस्बैंड जी को दे दिया है, ये बना रहे हैं, साफ कर दिया था थोड़ा, आधा इन्होंने किया है, तो भरता भी हमारा रेडी हो गया है। तो जी इधर पूजा पाठ भी हो गई आज की बढ़िया से, और उधर हस्बैंड जी का काम चल रहा है, इधर बेटा सो गया है, और सबने खाना खा लिया था। मैंने अपने लिए थाली लगा ली है, तो पराठा बनाया था, साथ में चोखा और सैलेड ले लिया है। जी कि आज भूखी नहीं लग रही थी तो मैंने खाए, तो मैं शाम को इकट्ठे ही खाना खा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7, बेटी को कराटे क्लास छोड़ के आई, अभी लेने भी जाना है। तो सोच रही हूँ खाऊँ या ना खाऊँ, ऐसे ऐसे चल रहा है, सोच रही हूँ थोड़ा सा खा लेती हूँ फिर जाती हूँ। तो उसके बाद से मैंने दोपहर का खाना बनाने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, रख दिया था, क्योंकि और भी घर के बहुत सारे काम थे, बिल्कुल लास्ट थक गई थी, और खाने का मन नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। फिर
टाइम से लेट हो जाता है तो फिर नहीं खाती हूँ, फिर इकट्ठा ही रात का ही खाना खाती हूँ।